मोसेस नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुलेश उस्मान के बॉलम 131 के लास्ट पार्ट के बारे में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 6 पार्ट्स जो पहले अपलोड किए हैं काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। आपको ये बॉलम कैसा लगा 131 जो कि इस सीजन का पहला बॉलम था आपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि घोड़ों पर सवार उस्मान साहब और उनके जांबाज आंधी और तूफान की तरह मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। यूनुस एमरे की आवाज़ गूंजती है, रास्ते के लिए तैयारी की जरूरत है, बहुत सी चीजें खोई हुई चीजें। इस रास्ते में दाखिल होने के लिए मजबूत दिल की जरूरत है, इस राह पर चलने के लिए ईमान की जरूरत है। अगर कोई इनके नफ्स की आवाज़ सुन ले तो कभी सुकून ना पाए। आपको मालूम होना चाहिए कि 70,000 मुनाफिक सिपाही इसी रास्ते पर हैं। आपको उन मुनाफिकों को शिकस्त देने के लिए अपने नफ्स को शिकस्त देने वाले सिपाहियों की जरूरत है। उधर कोनिया महल में गुंचा कहती है, मेरे बाबा खुश होंगे जब वो सुनेंगे कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये कहते साथ ही वो कबूतर के साथ खबर बांध कर उसे उड़ा देती है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एक आवाज़ गूंजती है और पूरी फिजा सोगवार हो जाती है। सुल्तान मसूद दुनिया से इंतकाल कर गए और आखिरत की तरफ चल पड़े हैं। सुल्तान मसूद की मौत के साथ ही नाज़रीन तकरीबन सलजोक रियासत का भी इख्तिताम होता है। इस सलजोक रियासत को बचाने के लिए सुल्तान मसूद ने सर तोड़ कोशिश की। उस्मान साहब ने भी सुल्तान मसूद को बाइख्तियार बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाज़रीन बे इंतहा गद्दारियों की वजह से सुल्तान मसूद बिल्कुल बेबस और लाचार दिखाई दिए। अपने खानदान में से बहुत से गद्दार निकले जिन्होंने सुल्तान मसूद का तख्ता भी उल्टा, जिनमें उनका भतीजा और उसके अलावा बहुत ज्यादा मुश्किल सुल्तान मसूद के लिए अगर किसी ने पैदा की थी तो वो अस्मेहान सुल्ताना। इसी तरह नाज़रीन और भी बहुत से गद्दार थे और अभी भी महल के अंदर हैं जिन्होंने सल्तनत को इस मुकाम तक पहुँचाया। अर्तगल गाजी के सीजन 1 से लेके अभी तक आपको कौन सा ऐसा गद्दार है जिसका आपको लगता है कि उसने सल्तनत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। अब नाज़रीन एक नई सल्तनत की जंग शुरू होती है। हम देखते हैं कि जंगल में एक मुकाम पर अनातोलिया के तमाम सदरान जमा होते हैं। इसी लम्हे याकूब भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ मौजूद सिपाही बा आवाज बुलंद कहता है, दस्तूर तुर्कमानों के सरदार, मजलूमों के मुहाफिज, जालिमों के कातिल, इंसाफ कायम करने वाले अनातोलिया के सुल्तान गर्मियान ओगलों के सरदार याकूब बे। सरदार याकूब के नाम के साथ सुल्तान के लफ्ज का सुनकर एक हड़बड़ी सी मच जाती है और वहाँ मौजूद एक सरदार दूसरे सरदार से पूछता है, सुल्तान इसका क्या मतलब है? तो सरदार करे से कहते हैं, अब हम समझ जाएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इसके साथ ही सरदार याकूब सबको सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ मंजिल की जानिब रवा दवा होता है और दूसरी तरफ से गोंचा भी मकसद में कामयाबी के बाद वापस लौट रही होती है। इधर याकूब भी सरदार से कहते हैं, आप मुतजस्सिस होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तो एक सरदार कहता है, हम हैं याकूब भी, लेकिन हमें वाकई इससे हैरत है जो आपके माबून ने कहा। तो सरदार याकूब कहते हैं, हम समझते हैं कि हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। मुझे सुल्तान मसूद से खबर मिली, वो मौत के दरवाजे पर, कोनिया में रियासत का सूरज गुरूब हो रहा है, हमारा मुल्क एक अंधेरी रात में डूबने वाला है। यह सुनकर सब सरदार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक सरदार कहता है, अरे नहीं तो दुश्मन खुश होंगे, हाँ याकूब भी? तो सरदार याकूब कहते हैं, ना दुश्मन खुश होगा ना हमारी रियासत का सूरज गुरूब होगा सरदार, इसीलिए हम यहाँ हैं। जबकि कोनिया मंगोलों के हाथ में है तो तुर्कों का सुल्तान अनातोलिया के सरदार में से होगा। यह सुनकर करेसे भी पूछते हैं, कौन की आदत संभालेगा? जवाबन याकूब भी कहते हैं, जो कुछ आपने एक लम्हा पहले सुना वो बिल्कुल बेकार नहीं था, मैं रियासत की क्यादत करना चाहता हूँ, इन जमीनों को एक हाकिम मिलेगा। अब मैं तुम तुर्कमान बेटों से पूछता हूँ। ये सुनते ही सब सदरान खड़े हो जाते हैं और सरदार याकूब मजीद कहते हैं, जब मैं ये खतरनाक किरदार अदा कर रहा हूँ, इससे पहले कि वो कुछ और बोलते सरदार का रहस्य कहते हैं, हम साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इसके बाद बारी बारी सब सरदार यही कहते हैं, हम आपके साथ हैं याकूब बे, हम आपके साथ हैं। इसी लम्हे खबर मिलने पर सिपाही याकूब बे से कहता है, कासिद रास्ते में है जना। ये सुनकर याकूब बे खुश होते हुए कहते हैं, चलो फिर हम भी निकलेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए सरदार से कहते हैं, मोहर वहाँ है, फरमान अपने रास्ते पर है, जब फरमान यहाँ आ जाएगा तमाम सरदार उस वक्त मेरे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन सबसे पहले वो। नाज़रीन यकीनन याकूब साहब यहाँ पे उस्मान साहब की ही बात कर रहे हैं। उधर उस्मान साहब अपने जांबाजों के साथ लेफ्ट किले के बाहर पहुँचते हैं, उन्हें देखते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उन पर तीर तान लेते हैं और बुरान बुलंद आवाज से कहता है, वो हाफिज अपने से कहो काई के सरदार तमाम तुर्कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब आए हैं। ये सुनकर बुलंदी पर मौजूद सिपाही चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आकर कहता है, अगर तुम कैदी चाहते हो तो अपनी तलवारें घोड़े और कमाने वहीं छोड़ दो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम अपनी तलवारें कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बुरान से कहते हैं, बुरान तलवारें और कमाने छोड़ दो। इसके साथ ही वो सब कमाने उतार देते हैं और घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। बुलंदी पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही हुक्म देता है कि दरवाजे खोल दो। इसके साथ ही किले का दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होते हैं, मगर नाज़रीन हम देखते हैं कि उन सबके पास तलवारें मौजूद होती हैं। बाज़ंतीनी सिपाही चौकन्ने होकर उनके आसपास जमा हो जाते हैं। देखते ही देखते किले का गवर्नर बलाई मंजिल से सामने आता है। गवर्नर को देखकर उस्मान साहब उसे पुकारते हैं, टैकफोर ज़ेरोन। जवाबन ज़ेरोन कहता है, इस दौरे की वजह क्या है उस्मान भी? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरा बहादुर सिपाही जेरकुताय तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ, अब मुझे बगैर किसी परेशानी के जेरकुताय दे दो, सिपाहियों सोना ले आओ। इसके साथ ही सिपाही सोने से भरे संदूक सामने रख देते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, ये वो सोना है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, हम खून रेजी नहीं चाहते, हमें जेरकुताय दे दो। ये सुनकर गवर्नर कहता है, कैदी को ले आओ। गवर्नर को हुक्म मिलते साथ ही पिंजरे में कैद जेरकुताय को वहाँ लाया जाता है और वो बिल्कुल निहाल पिंजरे में बंद होता है। जेरकुताय
को इस हालत में देखकर उस्मान साहब और उनके साथी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो सब भागे भागे पिंजरे के पास जाते हैं। उस्मान साहब जरकुते को पकड़कर बार बार पुकारते हैं और फिर उसकी चलती हुई सांसें महसूस करके कहते हैं, ये जिंदा है, ये जिंदा है। इस पर बुरान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उस्मान साहब जरकुते से कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके साथ ही रामोज आहिस्तगी से पीछे हटना शुरू हो जाता है और गवर्नर जारोन कहता है, इतना काफी है, तुम्हारा आदमी भी यही रहेगा और तुम सब भी मरोगे, चलो सिपाहियों। इसके साथ ही बाजंतीनी सिपाही उन पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब और उनके जांबाज जरकुते के गिर्द सार बना लेते हैं, मगर बाजंतीनी सिपाही बड़ी महारत के साथ पिंजरे को दूसरी तरफ ले जाते हैं। रामोज को दूसरी जानब खड़ा देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, कमीने तुम। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि ओलोफेरा वैश्यों के पड़ाव में बंदी होती है और वैश्यों का सरबराह उससे कहता है, क्या हुआ? तो सरदार का बेटा तुम्हें लेने नहीं आया। जवाबन ओलोफेरा कहती है, मैं तुम्हें और उस सरदार के बेटे को तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। तुम लालची हैवान हो, तुम लोग उसी सोने में दफन होगे जिसके तुम लोग ख्वाहिशमंद हो। यह सुनकर दूसरा वैश्य कहता है, खातून को गुस्सा आ रहा है भाई। इसी लम्हे ओरहान सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद वैश्यों के पास आता है तो ओलोफेरा कहती है, ओरहान क्या तुम्हारे घोड़े की टांगे कमजोर है, इतनी जल्दी आ गए? इसके साथ ही ओरहान के इशारे पर अली सोने से भरा संदूक वैश्यों के सामने रख देता है और ओरहान कहता है, मुख्तसर बात को लंबा ना करो, सोना यहाँ है, खातून मेरे हवाले कर दो। इस पर ओलोफेरा कहती है, देखो वो क्या कह रहा है, वो खातून चाहता है, जैसे मेरे कारवान पर हमला करने वाला वो नहीं है। फिर ओरहान से कहती है, तुम हमलावर हो। इसके बाद वैश्य ओरहान से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि खातून के बदले हम इतना सा सोना ले लेंगे? ये सुनकर ओलोफेरा कहती है, तुम कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले? मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम सबसे इसका हिसाब लूंगी। इसके साथ ही वैश्य का साथी लात मारकर संदूक बंद कर देता है और कहता है, तुम यहाँ बेमकसद आए हो, तुमसे पहले किसी और ने खातून को खरीद लिया है। इस पर ओरहान गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? खातून मेरी है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। इसी लम्हे पीछे से आने वाला मोहम्मद बे बुलंद आवाज से कहता है, ओरहान बे, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं कुछ कहने से पहले ही खरीद लेता हूँ, खरीद लिया, ये खातून अब मेरी है। ये सुनकर ओरहान गुस्से से लाल हो जाता है। उधर लेफ्ट के किले में उस्मान साहब गुस्से में रामोज की जानिब देखते हुए कहते हैं, तो तुमने हमें धोखा दिया हाँ? इसके साथ ही बाजंतीनी सिपाही मजीद तीर उन पर बरसाने लगते हैं। शिकंजा मजीद तंग होता हुआ देखकर उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही उनके जांबाज बाजंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और लेफ्ट के किले का सहन मैदान जंग बन जाता है। उस्मान साहब और उनके जांबाज बिल्कुल बेखौफ लड़ते हैं और पहले हल्ले में ही उस्मान साहब कई बाजंतीनियों को जहन्नुम बासिल कर देते हैं। बहुत ज्यादा तादाद होने की वजह से बाजंतीनी सिपाही उन्हें फिर से काबू करने लगते हैं। लगातार तीर बरसने की वजह से बहुत से कई सिपाही तीरों की जद में आ जाते हैं और बाजंतीनी सिपाही उन्हें काबू कर लेते हैं। तने तनहा उस्मान साहब काफी देर तक मुकाबला करते रहते हैं, मगर जैसे ही एक बाजंतीनी सिपाही को गिराकर तलवार उसके पेट में घोंपते हैं, अगले ही लम्हे बाजंतीनी सिपाहियों के बहुत सारे नेजे उस्मान साहब के गले पर होते हैं। ये मंजर देखकर गवर्नर जैरोन कहता है, अपनी तलवार फेंक दो और हथियार डाल दो उस्मान, वरना मैं तुम्हारे सिपाहियों के सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहते हैं, हम में से यहाँ पे कोई भी मरने से नहीं डरता, चलो टेकफोर्ट चलो। इसके साथ ही गवर्नर जैरोन बालाई मंजिल से नीचे आ जाता है और कहता है, उस्मान तुमने हमारे किलों पर हमला किया, हमारे दरमियान जासूस छोड़े, हमें तुमने कम समझा हाँ उस्मान, लेकिन देखो तुम हार गए। जो उस्मान साहब कहते हैं, ये वक्त बताएगा कि कौन हारा और कौन जीता, हमें तुम क्यों जिंदा रख रहे हो हाँ क्यों? इसलिए हमें बाजंतीनी सिपाही गवर्नर के कान में आकर कुछ कहता है तो गवर्नर उस्मान साहब से कहता है, वो आ रहे हैं। इसके साथ ही किले का दरवाजा खुलता है और याकूब बे बाकी सरदारान के साथ किले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर गवर्नर कहता है, ये सरदारान आपको बचाने आए हैं, आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए उस्मान, अगर ये ना आते तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते थे। सरदारान को देखकर उस्मान साहब हैरानों परेशान हो जाते हैं और गवर्नर के हुक्म पर उसके सिपाही उस्मान साहब के इर्द गिर्द से नेजे उठा लेते हैं, जबकि बाकी बाजंतीनी सिपाही भी उस्मान साहब के साथियों को छोड़ देते हैं। फिर याकूब बे कहते हैं, लेफ्ट के हुक्मरान टेकफोर जैरोन, मैंने आप पर एतमाद किया और आपने इसे जिंदा छोड़ दिया। तो गवर्नर कहता है, दरमियान के बेटे याकूब बे, अगर आपने कोई कासिद ना भेजा होता तो उस्मान मर गया होता। इस पर सरदार याकूब कहते हैं, खामोश, हिम्मत भी मत करना टेकफोर, उस्मान बे मेरे सबसे कीमती सरदारों में से एक है, अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम रुक गए क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, हम में से चाहे एक को भी नुकसान पहुंचे हम सब महसूस करते हैं टेकफोर। ये कहते साथ ही याकूब साहब घोड़े से उतरकर उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब सलामत रहे, अब आप कैदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद, हमारे पास एक बुरी खबर आई है, सुल्तान मसऊद दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब और उनके जांबाजों को बहुत दुख होता है और उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह ताला उनके रूह को सलामत रखे, आपका शुक्रिया, आपने इन्हें हमारी किस्मत का फैसला नहीं करने दिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जीत रहे मैं आपका मकरूज हूँ। जवाबन सरदार याकूब कहते हैं, मैं आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा उस्मान बे। इधर बाजंतीनी कमांडर अपने साथियों के साथ लेफ्ट के किले की जानिब देखते हुए कहता है, एक दूसरे पर हमला करने से पहले तुम्हारी तलवारें मियानों में वापस नहीं आएंगी, अब ये शुरू हो चुका है। इधर सरदार याकूब कहते हैं, मैं अब एनातोलिया के तमाम सरदारान का सुल्तान, तमाम सरदारान ने मेरी बैत की है। ये सुनकर उस्मान साहब हैरानगी से सरदारान की जानिब देखते हैं और सरदार याकूब कहते हैं, उस्मान साहब अब आपकी बारी है। फिर बैत के लिए अपना हाथ उस्मान साहब की जानिब बढ़ा देते हैं और मजीद कहते हैं, अपनी वफादारी का इजहार करें और मेरा हाथ चूमे उस्मान बे। मगर उस्मान साहब शदीद गुस्से में तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं, जो हक पर है हम उसके साथ चलेंगे, हम लोगों के पीछे नहीं चलते। ये कहते साथ ही वो दोनों शदीद गुस्से में एक दूसरे की जानिब देखते हैं और सरदार याकूब का हाथ हवा में ही रह जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही बोलम कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी।